पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ हुए विवाद के बाद भारत अब अपने डिफेंस सिस्टम को लगातार मजबूत करने में लगा हुआ है। उधर चीन सीमा पर फौज जुटाने में लगा हुआ है तो इधर भारत के वैज्ञानिक धड़ाधड़ मिसाइल और ताकतवर हथियारों का परीक्षण करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में भारत ने गुरुवार को राजस्थान के पोखरण में तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल यानी कि नाक का सफलतापूर्वक अंतिम परीक्षण कर लिया है। इसे सामरिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में हथियार तैनात करने का रास्ता साफ करने के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। यहां हम आपको बता दें कि ये मिसाइल दिन और रात दोनों समय दुश्मनों के टैंकों से भिड़ने में सक्षम है। अंतिम परीक्षण के बाद मिसाइल उत्पादन के करीब पहुंच चुकी है। इससे पहले 9 अक्टूबर को भारत ने Sukhoi-30 लड़ाकू विमान से एंटी रेडिएशन मिसाइल यानी कि रुद्रम 1 का सफल परीक्षण कर लिया था। आंकड़ों के मुताबिक DRDO की तरफ से पिछले 40 से 50 दिनों में दर्जनों मिसाइल परीक्षण कर चुका है। सीमा पर पाकिस्तान और चीन की हरकतों के मद्देनजर DRDO मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ाते हुए तेजी के साथ सामरिक परमाणु और पारंपरिक मिसाइलों को विकसित करने में जुट चुका है। इससे ये तो साफ हो चुका है कि यहाँ पर चीन के आक्रामक रुख ने भारत से वो करवा दिया है जो शायद भारत कभी नहीं करता। भारत के 40 से 50 दिनों में दर्जनों टेस्ट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है क्योंकि अभी चीन इसको हल्के में ले रहा है। पर इन मिसाइलों के सफल परीक्षण भारत की चीन पर जीत पक्की करेंगे।